वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन, जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड रहेगी। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। From time to time, we have discussed the question of the influence of the press, and you cannot deny that. सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। From time to time मैंने इकट्ठा लिखा है, from का इसमें ग्राम लोग है, time to time में having principle apply हो रहा है। जो M है ये वाला, इसको हमने half किया हुआ है, जिस करके T की sound आ रही है, और इसमें having principle apply हो रहा है। फिर मैंने we have discussed इकट्ठा लिखा है, we और have दोनों का ग्राम लोग था, साथ मैंने discuss लिखा है। D है, S वाला circle है, K है और एस डी वाला, ये बन गया वी हैव डिस्कस्ड। डी का ग्राम लोग है, क्वेश्चन लिखा है, के साथ डब्ल्यू वाला हुक है, एस वाला सर्कल है और इधर शन है, बन गया क्वेश्चन। ऑफ और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। इन्फ्लुएंस का ग्राम लोग है, ऑफ दी प्रेस, फिर मैंने इकट्ठा लिखा है। ऑफ और दी का ग्राम लोग था, साथ मैंने प्रेस लिखा है, पी के साथ इधर आर का हुक है, इनिशियल में फाइनल में एस वाला सर्कल है, ऑफ दी प्रेस बन गया। एंड का ग्राम लोग है, यू कैन नॉट, मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर डिनाई लिखा है, डी है, एन है, इधर मैंने डिप्टोंग यूज किया, दैट का ग्राम लोग है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ऑन ऑल ओकेजंस आई हैव बीन एबल टू मेक आउट अ फेयरली स्ट्रॉन्ग केस फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑन का इसमें ग्राम लोग है, आल का ग्राम लोग है, फिर मैंने ओकेजंस लिखा है, ओकेजंस में इधर वोवल है, के है, फिर एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि शन वाला भी पढ़ा जाइए, बन गया ओकेजंस। आई हैव बीन इस तरह से लिखा है, आई का इसमें ग्राम लोग, हैव का ग्राम लोग, फिर एन से बीन पढ़ा जाएगा। फिर मैंने एबल टू मेक लिखा है इस तरह से, एबल टू मेक, आउट लिखा है इस तरह से लाइन को काटता हुआ, ए का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने फेयरली लिखा है, एफ है, डाउन ऑर्डर आर है, एल है, स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्ट्रॉन्ग में मैंने इस तरफ सर्कल लगाया ना, तो ये एस टी आर पड़ा जाएगा, साथ मैंने एन जी वाला लगाया, बन गया स्ट्रॉन्ग। केस लिखे है, के है, इधर एस वाला सर्कल है, फोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। जस्टिफिकेशन का इसमें ग्राम लोग है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा, ऑफ डी का ग्राम लोग है। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखा है इस तरह से, स्टेटमेंट, इसमें ये मैंने मेंट वाला यूज किया। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में। दैट जर्नलिस्ट ऑन द होल वर्क फॉर द कॉज ऑफ प्रोग्रेस एंड इफ यू शुड नॉट बी विलिंग टू अलाउ दिस। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दैट का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने जर्नलिस्ट लिखा है, इसमें जे के साथ आर का हुक है, इधर एन के साथ एल का हुक है, फिर मैंने एस टी वाला लगाया और इधर एस वाला सर्कल लगाया। ऑन और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है, होल लिखा है इस तरह से छोटा, हे बनाया साथ एल है, वर्क लिखा है डाउन ऑर्डर वाला, इसमें आर यूज किया और इसमें वे इस तरह से आएगा, इधर के है, ये बन गया वर्क। फोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। इधर मैंने कोज लिखे, के है, एस वाला सर्कल है, फिर मैंने ऑफ प्रोग्रेस इकट्ठा लिखा है, ऑफ का ग्राम लोग था, साथ मैंने प्रोग्रेस लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, इधर के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने एंड If you should not be, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, ये ध्यान से देखिए, and if you should not be मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से। and का ग्राम लोग था, if का ग्राम लोग था, you का ग्राम लोग था, फिर should का, not और be, इन सब का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने willing लिखा है इस तरह से, इसमें मैंने l के साथ ये w वाला हुक लगाया, साथ ing है, ये बन गया willing। two का ग्राम लोग है, allow लिखा है, this का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको नए वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। दे वुड बी अनड्यूली कंडेम्ड फॉर दैट फॉर विच दे वर नॉट ऑलटुगेदर रिस्पॉन्सिबल, यू विल रिकोलेक्ट दैट सम टाइम अगो। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दे वुड बी, तीनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा, फिर मैंने अनड्यूली कंडेम्ड लिखा है, अनड्यूली कंडेम्ड में मैंने इकट्ठा लिखा है, इसमें मैंने डिसज्वाइन किया हुआ है, डिसज्वाइन करने कारण इसमें कन पड़ा जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अनड्यूली कंडेम्ड में मैंने इस तरह से डाला ना, एन है, डी है, एल है, फिर डिसज्वाइन किया हुआ है, डिसज्वाइन करने कारण कन पड़ा जाएगा और ये पूरा वर्ड इधर कंडेम्ड पड़ा जाएगा और पूरा फ्रेज अनड्यूली कंडेम्ड पड़ा जाएगा। फोर और दैट दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा, फिर फोर और विच का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा, फिर मैंने दे वर नॉट इकट्ठा लिखा है,
तीनों का ग्राम लोग था, देवर नोट का मैंने इकट्ठा लिख दिया, फिर मैंने ऑल टुगेदर लिखा है, फिर मैंने रिस्पॉन्सिबल लिखा है। रिस्पॉन्सिबल में हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। फिर यू और विल दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर रिकोलेक्ट लिखा है, अपर वाला आर है, के साथ एल का हुक है। फिर मैंने टी लिखा है इधर, ये बन गया रिकोलेक्ट। फिर मैंने दैट लिखा है, दैट का ग्राम लोग है सम टाइम अगो, ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से सम टाइम अगो। सम टाइम अगो में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने एम को हाफ किया हुआ है ना, जिस करके हमने टी की साउंड लिया। सम टाइम अगो में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट डेट यू स्टेटेड दैट यू वर नॉट सेटिस्फाइड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस वाज फॉर गुड, आई वुड नॉट रीओपन दिस क्वेश्चन। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। आई कैन नॉट से दी, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, चारों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने एग्जैक्ट लिखा है, एग्जैक्ट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ये वाला जो के है इसको हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, एग्जैक्ट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने डेट लिखा है, डी है इधर वोवल है, टी है क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, यू का ग्राम लोग है। फिर मैंने स्टेटेड लिखा है, स्टेटेड में भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इधर मैंने एस टी वाला लगाया, ये जो टी है इसको हाफ किया हुआ है जिस करके डी की साउंड लिया है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर दैट यू वर नॉट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट यू वर नॉट, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, चारों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया दैट यू वर नॉट। फिर मैंने सेटिस्फाइड लिखा है इस तरह से, एस वाला सर्कल है, टी है, एस वाला सर्कल है, एफ है, इसमें भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ये वाले एफ को हमने हाफ किया हुआ है और डी की साउंड ली है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है सेटिस्फाइड में। दैट और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है, इन्फ्लुएंस का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है, ऑफ दी प्रेस मैंने इकट्ठा लिखा है, ऑफ और दी का ग्राम लोग था, साथ प्रेस लिखा है, पी के साथ आर वाला हुक है, इधर एस वाला सर्कल है, वास का ग्राम लोग है, फोर का ग्राम लोग है। फिर मैंने गुड लिखा है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, आई वुड नॉट, तीनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा। फिर मैंने रीओपन लिखा है, अपवर्ड वाला आर है, पी है इधर, एन का हुक है, दिस क्वेश्चन मैंने इकट्ठा लिखा है, दिस का ग्राम लोग था, साथ मैंने क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, के साथ डब्ल्यू वाला हुक है, और इधर मैंने इसमें दिस क्वेश्चन में पहले मैंने दिस डाल दिया, फिर एस वाला सर्कल लगा के साथ मैंने डब्ल्यू वाला हुक लगा दिया, और इधर मैंने टी के साथ शन वाला लगा दिया, ये बन गया दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। सो सून अगेन आवर प्रिंसिपल वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द लोकल प्रेस क्लब एंड आई हैव केयरफुली नोटेड हिज स्पीचेस इन दी। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सो का ग्राम लोग है, सून लिखा है, एस वाला सर्कल है, एन है, अगेन लिखे गे है, इधर एन वाला हुक है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, अवर का इसमें ग्राम लोग है, प्रिंसिपल का ग्राम लोग है, वाज और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है, चीफ लिखे चे है, इधर एफ वाला हुक है, गेस्ट लिखे गे के साथ एस टी वाला लगाया, ओफ और दी दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है, लोकल लिखा है, एल है, के साथ एल का हुक है, प्रेस लिखा है, पी है, इधर आर वाला हुक है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने क्लब लिखे है, के साथ एल का हुक है, बी है। फिर मैंने एंड आई हैव केयरफुली इकट्ठा लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड आई हैव केयरफुली मैंने इकट्ठा लिखा है, एंड आई हैव इन तीनों का ग्राम लोग था, साथ केयरफुली लिखा है, के साथ आर का हुक है, एफ है, एल है, ये बन गया केयरफुली इधर, और एंड आई हैव इन तीनों का ग्राम लोग था। फिर मैंने नोटेड लिखा है, एन है इधर, वोवल है, टी है, ये वाले टी को हाफ किया हुआ है, डी की साउंड लिया, हैविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, हिज का ग्राम लोग है, स्पीचेस लिखा है, एस वाला सर्कल है, पी है, चे है, एस वाला सर्कल है, इन और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। सेवरल न्यूज़पेपर्स ही सेड फॉर सम टाइम पास्ट हैड विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक लाइफ द ग्रेट टेरर ऑफ एवरी स्पीकर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सेवरल का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने न्यूज़पेपर्स लिखा है, एन है, एस वाला सर्कल है, पी है, फिर पी के साथ इधर आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, बन गया न्यूज़पेपर्स, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, ही का ग्राम लोग है, फिर मैंने सैड लिखा है, एस वाला सर्कल है, डी है, इधर वोवल है, ये सैड बन गया और इधर ही का ग्राम लोग था। फिर मैंने फोर सम टाइम इकट्ठा लिखा है, फोर का ग्राम लोग था, साथ मैंने सम टाइम लिखा है, इसमें एम को मैंने हाफ किया हुआ है सम टाइम में जिस करके मैंने टी की साउंड लिया, और इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ये पूरा फ्रेज बन गया फोर सम टाइम का। पास्ट लिखा है, पी है, एस टी वाला है, फिर हेड का ग्राम लोग है, फिर मैंने विड्रॉन लिखा है, फिर मैंने विड्रॉन के बाद फ्रॉम का ग्राम लोग लगाया है, पब्लिक लाइफ मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, पब्लिक लाइफ, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, दी का ग्राम लोग है, ग्रेट का ग्राम लोग है,
टेरर लिखे, टी है इधर वोवल है, अपर वाला आर है, ओ फैवरी दोनों का ग्राम लोग था मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर स्पीकर लिखा है, एस वाला सर्कल है, पी है और के साथ आर का हुक है, बन गया स्पीकर। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। रिमेन्स ऑन हिज रिपोर्टिंग हिज स्पीचेस एंड रिपोर्टिंग वाज ग्रेट एंड पीपल स्टिल रिमेन्स ईगर टू। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। रिमेन्स लिखा है, डाउनवर्ड वाला आर है, इधर वोवल है, एम है, इधर मैंने एस वाला सर्कल लगाया, ओन का ग्राम लोग है, हिज का ग्राम लोग है। रिपोर्टिंग लिखा है, अपर वाला आर है, पी है, अपर वाला आर है और डॉट इंक को रिप्रेजेंट करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉट इंक को रिप्रेजेंट करिए। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। हिज का ग्राम लोग है, स्पीचेस लिखा है, एस वाला सर्कल है, पी है, चे है, एस वाला सर्कल है, एंड का ग्राम लोग है, रिपोर्टिंग वापस आ गया, रिपोर्टिंग में डॉट इंक को रिप्रेजेंट करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाज का ग्राम लोग है, ग्रेट का ग्राम लोग है, फिर एंड का ग्राम लोग है, पीपल का ग्राम लोग है, स्टिल लिखा है, एस वाला सर्कल है, इधर मैंने स्टिल में मैंने एस टी वाला लगाया है, एस टी वाला है, फिर एल है, इधर वोवल है, फिर मैंने रिमेन्स लिखा है, डाउनवर्ड वाला आर है, एम है, एस वाला सर्कल है, ये बन गया रिमेन्स। फिर मैंने ईगर लिखा है, गे के साथ आर का हुक है, इधर वोवल है, टू का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट लाइन के बारे में। सी हिज परफॉर्मेंस विद ब्रेथ लेस इंटरेस्ट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सी लिखा है, एस है, इधर वोवल है, हिज का ग्राम लोग है। परफॉर्मेंस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, विद का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने ब्रेथलेस लिखा है बी के साथ, इधर मैंने आर का हुक लगाया, इथ है, एल है, एस वाला सर्कल है, फिर मैंने इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने एन को डबल किया हुआ जिस करके तर की साउंड ली है। तो आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड थी। मैं आपको एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड एक्सरसाइज बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।